ओम नमः सिद्धेभ्यः। छड़ारा ग्रंथ का स्वाध्याय में आज हम पहली ढाल का छंद नंबर 16 करेंगे और यह मंगलाचरण के साथ 16वां छंद होगा और इसमें देवगति के भवंतरिक के दुखों का वर्णन किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। कभी आकाम निर्जरा करे भवन तिक में सुरतन धरे विषय चाह दावा न धर्यो मरत विराप करत दुख सहयो। क्या कह रहे हैं? इस जीव ने कभी आकाम निर्जरा करी तो भवंतरिक में पैदा हुआ, यानी भवनवासी वेंतर ज्योतिषी, इन तीनों को भवंतरिक कहते हैं, इसमें पैदा हुआ और परंतु यहाँ पर भी विषयों की चाह में रहा, विषयों की भोगों की इच्छा में रहा, उनकी दावा में जलता रहा, तो मरते समय बहुत विलाप किया, दुख किया और दुख करते हुए दुखों को सहन किया, है ना। उन्होंने यहाँ पर भी दुखों को सहन किया है। यहाँ आचार्य कहे हैं कि आकाम निर्जरा मतलब बिना इच्छा के भूख प्यास ठंडी गर्मी को सहन करना, इच्छा नहीं है फिर भी हम सहन कर रहे हैं और ऐसे सहन करते अगर वो मरता है तो भवंतरिक मैंने भवनवासी वेंतर ज्योतिषी में पैदा होता है, है ना। परंतु यहाँ भी उसने विषय रूपी चाह के दावाजे में जलता रहा, है ना, और मरते समय विराग करते हुए दुखों को सहन किया और यहाँ भी मरते समय भी दुखों को उसको सहन करना पड़ता है। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि नरक गति में और सॉरी देव गति में भी दुख है, यहाँ पर भी कोई कहे कि सुख है तो यहाँ पर भी सुख नहीं है क्योंकि पहली डाय में चारों गति के दुखों का वर्णन चल रहा है। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी दुख है और इन दुखों को जीव भोगता ही है। हम ये नहीं कह सकते कि देवगति में दुख नहीं, तो यहाँ पर भी देवगति में दुख है। भवंतरिक के दुखों का वर्णन किया, भवंतरिक का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि भवनवासी वेंतर ज्योतिषियों को भवंतरिक कहते हैं। ये देवों के भेद हैं, चार भेद हैं देवों के, भवनवासी वेंतर ज्योतिषी और वैमानिक, तो वैमानिक ने छोड़ दिया है। तीन ये हैं कि भवंतरिक, इसे भवंतरिक उनको यहाँ पर कह दिया और आकाम निर्जरा का अर्थ भी बता दिया, बिना भूख प्यास के जो भूख बिना इच्छा के भूख प्यास को जो सहन करता है वो आकाम निर्जरा है। ओम नमः शिवाय।